हे पीपल, आई एम रिचा एंड आई वेलकम यू टू परचम कॉम्पिटिशन क्लासेस। हमने स्टार्ट की थी वर्ल्ड मैप सीरीज़, जिसको आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। आपके कमेंट्स मैंने पढ़े। आज हम उसी वर्ल्ड मैप सीरीज़ में सेकंड लेसन या सेकंड चैप्टर लेके आए हैं। जिन्होंने फर्स्ट लेसन नहीं देखा हो, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज हम डिटेल में लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स पढ़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, कौन सी कंट्रीज से गुजरते हैं, कौन सी रिवर्स उन्हें इंटरसेक्ट करती हैं, प्राइम मेरिडियन के बारे में कौन कौन सी कंट्रीज से जाती है वो भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एक डिग्री कितने मिनट्स एंड ऑल में डिवाइडेड है, सब कुछ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ आपको लैटिट्यूड्स वाला स्लाइड दिख रहा है। तो लैटिट्यूड यानी अक्षांश होता क्या है? तो अक्षांश बेसिकली इक्वेटर से पैरेलल लाइंस होती हैं, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ पोल तक जाती है और सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ पोल तक जाती हैं। ठीक है, इक्वेटर से पैरेलल, फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, पैरेलल होंगी किसके, इक्वेटर के, और आपस में भी एक दूसरे के, लेकिन क्या इक्वल होंगी? नहीं। देखिए, अर्थ आपको पता है प्रॉपर स्फेयर नहीं है, वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है, यानी कि वो ज़्यादा ही ऑब्लेट हो गया है ना, नॉर्थ और साउथ पोल पे से थोड़ी सी दबी हुई है और साइड से थोड़ी बाहर निकली हुई है। इस कारण जो सेंटर में जीरो डिग्री रेफरेंस जो है, जैसे हम इक्वेटर कहते हैं, उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होगी उस लैटिट्यूड की, ये जब पूरा आप घुमा के 3D में समझें, और जो उसके बाद वाले लैटिट्यूड्स होंगे ऊपर और नीचे, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, उनकी लंबाई इक्वेटर के कंपैरिजन में कम होती जाएगी। तो ये पैरेलल तो होती हैं लैटिट्यूड्स, लेकिन एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं। अब एक डिग्री में कितने किलोमीटर होते हैं ये तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ मैंने 3D डायग्राम लिया है आपको समझाने के लिए कि डिग्री कहाँ से देखी जाती है और किलोमीटर्स कहाँ मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये अर्थ का कोर है, ये एक इमेजिनरी लाइन हम लेते हैं, उसको हमने 0 डिग्री मान लिया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेटर। ये सारी लाइंस इमेजिनरी हैं, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं होती हैं। इससे जब हमने 1 डिग्री का एंगल बनाया कोर से, इसको बेस लेते हुए, तो ये अर्थ पे कहीं मान लीजिए यहाँ आके टच हुआ, तो ये जो सरफेस पे इनके डिस्टेंस है ये कितना है, 111 किलोमीटर का। ये बात समझ में आई? ऐसे एक 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 करके हम टोटल 90 डिग्री एंगल अचीव करने के लिए, यहाँ देखिए, यहाँ बेटर समझ में आएगा, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल का 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, यहाँ से पूरा यहाँ तक जाने के लिए हमें 90 डिग्री के 90 एंगल बनाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो टोटल लाइंस कितनी होंगी, ऊपर के हेमिस्फेयर में 90 लाइंस, नीचे भी हम यहाँ से लेके साउथ पोल तक जाने के लिए हमें 90 डिग्री के 90 एंगल यानी 90 लाइन बनानी पड़ेंगी, और उसमें इक्वेटर का 0 भी जोड़ लो, तो 90 + 0 + 90 टोटल हो जाएंगी लास्ट पॉइंट 181 लाइंस, यानी 181 लाइंस। सो तीन चार बातें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, जो लैटिट्यूड्स हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते हैं, क्यों वो मैंने समझा दिया। एक डिग्री में 111 किलोमीटर होता है, कैसे वो मैंने आपको समझा दिया, ओके। और टोटल लाइनें कितनी होती हैं लैटिट्यूड की, तो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं अभी बताऊंगी। 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की 90 लाइंस, 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर की 90 लाइंस, और एक इक्वेटर की। लेकिन कई जगहों पे, जो मुझे भी सही लगता है, वो ये मानते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो एक बिंदु है, पॉइंट है, वो लाइन नहीं है, तो हम उसको लाइंस में काउंट कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस कॉन्सेप्ट को लेके चले, तो यहाँ से एक माइनस कर दीजिए, यहाँ से भी एक माइनस कर दीजिए, यानी 89 + 89 + 1 मिलके 179 लाइंस बनेंगी अक्षांश यानी लैटिट्यूड की, और 2 पॉइंट्स यानी बिंदु बनेंगे। ठीक है, अब क्या आंसर दें, 181 या 179, ये आप क्वेश्चन के ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन क्या कहते हैं उस हिसाब से पिक कीजिएगा। अगर 181 आपको ऑप्शन में दिखता है तो सबसे पहले आपको आंसर यही लेना है, नहीं दिखता तो फिर आप 179 पे मूव करेंगे। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, लैटिट्यूड यानी अक्षांश होते क्या हैं। अच्छा देखिए, ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में जो इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन है ना, जैसे आपने कभी ग्राफ पढ़ा होगा ना, ग्राफ में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, है ना, क्यों लेते हैं, ताकि कोई भी जो पॉइंट है उसकी लोकेशन पता लगाई जा सके, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, राइट। तो यहाँ ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये हमारा इक्वेटर है अर्थ के ऊपर, और जो वाई एक्सिस होती है वो हमारा प्राइम मेरिडियन है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह से समझिएगा इनको भी, जैसे कि हम ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को समझते हैं, और वहाँ पे जितनी भी हमारी इस तरह की लाइंस होती हैं वो यहाँ लैटिट्यूड हो गई, और जो हमारी वाई एक्सिस को लेकर के लाइंस होती हैं वो हमारे लॉन्जिट्यूड हो गए।
तो अब चलते हैं लॉन्जिट्यूड के ऊपर। ये है लॉन्जिट्यूड, होते क्या है, ये ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती हैं। किसको बेस बना करके बनाई जाती हैं, तो इसमें जो जीरो डिग्री बेस माना जाता है वो होता है आपका ये 3D इमेज है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये सतह पे दिखाया जा रहा है कि दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया, जैसे यहाँ बांट दिया तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में यानी गोलार्ध में डिवाइड कर देगी। इसको बेस बनाते हुए जब हम डिग्रीज बनाते हैं, मतलब एंगल लेके चलते हैं और वो सतह पे यहाँ काट रही है, तो ये देखो ये हमारी एक लॉन्जिट्यूड हो गई। इसी तरह से जब हमने 20 डिग्री का एंगल बनाया तो ये हमारी दूसरी लॉन्जिट्यूड, 30 डिग्री कहाँ से, यहाँ से, इस ज़ीरो से। अगर हमने ये 30 डिग्री का एंगल बनाया, ये ज़मीन को यहाँ टच करा, यहाँ से हमारी एक और लॉन्जिट्यूड हो गई। तो लॉन्जिट्यूड प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस से बनती है, यहाँ भी हर एक एक डिग्री पे लॉन्जिट्यूड बनेंगे, ठीक है। तो एक डिग्री का लॉन्जिट्यूड कितना डिस्टेंस कवर करता है, मैप पे तो आपको 10-10 डिग्री के दिखा रखे, मैं इसे बना देती हूँ, ये अगर 0 डिग्री और ये अगर 1 डिग्री है ना, यहाँ से ये 0 डिग्री और ये 1 डिग्री का एंगल ज़मीन पे यहाँ टच कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में 101.3 किलोमीटर का डिस्टेंस माना जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ पे लैटिट्यूड में सारी लाइन बराबर नहीं थी ना, यहाँ ऑलमोस्ट बराबर होती है क्योंकि अर्थ को ऑलमोस्ट गोल मान लिया जाता है, राइट। तो ये देखो ऊपर से व्यू देखो, जब आप देखोगे तो ये अर्थ है, समान रूप से गोल मान लेते हैं हम, तो आपके जितने भी लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स हैं यानी दक्षांश हैं उनकी लंबाई समांतर जैसी होती है। नाउ टोटल लाइनें कितनी होंगी लॉन्जिट्यूड की, लैटिट्यूड की कितनी थी, 90+90+1 181 या फिर 179। यहाँ पे देखो आपको ये तो दिख रहे हैं आपके लैटिट्यूड यानी अक्षांश, ये सारे लॉन्जिट्यूड हमने बनाए, कितनी कितनी डिग्री पे बनते हैं लॉन्जिट्यूड, एक 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 डिग्री पे बनते हैं। तो एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 360, यानी 360 लाइनें हमें बनानी पड़ेंगी 360 एंगल कवर करने के लिए हर एक डिग्री पे। तो टोटल लाइनें कितनी बन जाएंगी, 360, राइट। इस 360 में ये हमारा प्राइम मेरिडियन भी शामिल होता है, इसलिए इसको अलग से काउंट नहीं करते, ठीक है। तो टोटल कितने लॉन्जिट्यूड हो गए, एक सर्कल के टोटल एंगल के जितने, यानी कि 360 लॉन्जिट्यूड होते हैं। यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई, ओके। क्या ये पैरेलल होते हैं आपस में, नहीं। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने का काम करते हैं, तो ये पैरेलल नहीं होते, ये इस तरह से चलेंगे। इनकी मैक्सिमम जो चौड़ाई होती है वो कहाँ होती है, इक्वेटर पे होती है ना, क्योंकि 3D इसलिए इक्वेटर इतना नीचे आपको दिख रहा है। ऐसे हम देख लेते हैं, तो ये इस तरह से चलेंगी, राइट। तो मैक्सिमम लंबाई इनकी, दूरी नॉट लंबाई सॉरी, मैक्सिमम दूरी इनकी इक्वेटर पे होती है, और जैसे जैसे ये ध्रुव यानी पोल्स पे आते हैं ये पास होते जाते हैं, तो ये पैरेलल नहीं होती हैं। ये सारे बेसिक्स थे पर इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कभी कभी बेसिक चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता और सवाल में हम गड़बड़ी कर देते हैं। चलिए अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, ये इंडिया है ग्लोब के ऊपर, अगर मैंने उसको बड़ा कर दिया तो वो इस तरह से दिख रहा है। अब इसके अगर हम चारों कॉर्नर्स देखें कि कितने लैटिट्यूड या कितने लॉन्जिट्यूड तक एक्सटेंड होता है इंडिया, तो 68.7 मिनट्स ईस्ट से 97.25 मिनट्स ईस्ट तक, दोनों जगह ईस्ट क्यों, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है इंडिया, वेस्ट में आता ही नहीं है, समझते हैं ना इसको। अगर हम प्राइम मेरिडियन यहाँ से जाएगा ही नहीं, उधर है कहीं, तो आप ऐसे समझिए अगर ये ग्लोब है, ये प्राइम मेरिडियन है, तो इंडिया इधर किधर पड़ता है, इधर आता ही नहीं है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, ओके, इसलिए दोनों साइड इसके ईस्ट है। और ऊपर अगर हम देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ क्यों, क्योंकि ये इक्वेटर पे पड़ता ही नहीं है ऊपर वाले, तो ये नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फेयर में पड़ रहा है पूरा, इसलिए इस तरह से लिखा गया है। अब मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि ये 68 डिग्री 7 मिनट्स, ये जो आप देख रहे हैं 68 डिग्री 7 और ये डैश, इस डैश को कहते हैं मिनट्स, ये क्या होता है, या जब आपको किसी चीज़ की लोकेशन लिखनी है तो 68 डिग्री 7 मिनट्स 97 डिग्री 25 मिनट्स है ना, तो ये इस और दोनों ही ईस्ट है इसलिए हमने यहाँ ईस्ट लिख दिया। सो हाउ डू वी राइट दिस, इससे मतलब क्या होता है, तो देखिए ये पहले वाली चीज़ तो आपको पता है डिग्रीज, अभी हमने लैटिट्यूड देखे,
ये मिनट कहाँ से आता है, किस तरह से बनता है, उसके लिए मैंने आपको मैप दिखाया। अब ये कहाँ से आता है, इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, वो अब हम देखते हैं। तो देखिए, डिग्री और मिनट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, डिग्रीज को ही फर्दर डिवाइड करने के लिए, भाई एक डिग्री और दो डिग्री तो आपको पता है, लेकिन इनके बीच में अगर कोई लोकेशन आ रही है तो उसको क्या करोगे, है ना। जैसे घंटे के बाद मिनट आता है, मिनट के बाद सेकंड आता है घड़ी में, राइट। यहाँ क्या होगा, तो यहाँ डिग्री को, एक डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड किया जाता है। ये मिनट क्या है, टाइम है नहीं, ये डिस्टेंस है। ये था आपका 1 डिग्री, ये था आपका 2 डिग्री, हाँ, इन दोनों के बीच में 60 मिनट्स आएंगे, यानी कि 60 ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो प्रिसाइज लोकेशन बता सकते हैं, आप पिन पॉइंटेड लोकेशन तक पहुंच सकते हो। इन मिनट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है सेकंड्स में, हर एक मिनट में फिर 60 सेकंड्स होंगे, ठीक है। तो जैसे घड़ी का समय चलता है, ऐसे ही यहाँ पे डिस्टेंस को मिनट्स और सेकंड्स में मेजर किया जाता है डिग्रीज के बाद। तो देखिए, फॉर ग्रेटर प्रिसिजन डिग्रीज आर डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। ये डिस्टेंस है, टाइम नहीं है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बन चुका है, कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्टेंस के लिए हम मिनट्स का इस्तेमाल करते हैं। हर एक मिनट को फर्दर डिवाइड किया जाता है 60 सेकंड्स में, और सेकंड्स के लिए डबल लाइन लगती है, मिनट्स के लिए सिंगल लाइन लगती है। लेकिन अब एक नया सिस्टम आया है, हम सेकंड्स ना लिख करके यहीं पर डेसिमल लगा देते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमें लिखना था 60 मिनट्स और 25 सेकंड्स, तो हम क्या करेंगे, 60.25 मिनट्स लिख दिया हमने, ओके। सो नाउ इट्स कॉमन टू यूज डेसिमल मिनट्स इंस्टेड ऑफ सेकंड्स, ऑल राइट। ये चीज समझ में आ गई। अब एक और टर्म होती है, वो होती है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल क्या, अगेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा कि जब शिप्स वगैरह जाती हैं समुद्र में, ओशंस में, तो उनका जो डायरेक्शन दिया जाता है वो किलोमीटर्स वगैरह से नहीं दिया जाता कि इतने किलोमीटर ईस्ट में मुड़ जाओ, इतने किलोमीटर वेस्ट में मुड़ जाओ, नहीं, उनको नॉटिकल माइल्स से जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो दिए जाते हैं। नॉटिकल माइल एक ऐसी यूनिट है डिस्टेंस की जो पानी पे काम करती है। पानी में हम किलोमीटर्स की बात नहीं करते, हम नॉटिकल माइल की बात करते हैं। डिस्टेंस ऑन वाटर इज मेजर्ड इन नॉटिकल माइल, और इसका यूनिट क्या होता है, NM, या छोटे में NM हम लिखते हैं। और 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल, यानी कि ये जो हमने 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में 60 मिनट्स लिए थे, वो हर एक मिनट में 1 नॉटिकल माइल होता है, यानी वो दोनों बराबर होते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल, यानी कि 60 हर एक डिग्री में 60 मिनट या 60 नॉटिकल माइल्स होते हैं। डिग्री से पता लग गया तो वेरी गुड, अगर डिग्री पे नहीं आ रही है कोई लोकेशन प्रिसाइसली और बीच में कहीं आ रही है, पानी पे है तो नॉटिकल माइल से बताएंगे, और अगर लैंडमास पे आ रही है तो मिनट से बताएंगे। आ गए यहाँ तक की कहानी समझ में, शाबाश, चलिए आगे। ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैंने बताया, एग्जाम के लिए ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, मिनट्स और नॉटिकल माइल, पर मैप रीड करना आपको आना चाहिए बेसिकली। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पे, जो फर्स्ट क्लास में भी हम देख चुके थे। इक्वेटर 0 डिग्री पे हम लेते ही हैं, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, फिर होता है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम मकर रेखा भी कहते हैं, इसको कर्क रेखा कहते थे, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। ये आपको लैटिट्यूड पता है, हर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड को डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक विशेष लैटिट्यूड है, सवाल बन चुका है, इंपॉर्टेंट है। हॉर्स लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, आपको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, उससे भी थोड़ा ऊपर यानी कि 30 से 35 डिग्री नॉर्थ की बेल्ट, 30 से शुरू होकर 35 डिग्री, और इसी तरह से 30 से 35 डिग्री साउथ की बेल्ट, यहाँ भी ये शुरू हुई 30 से और ये 35 पे ख़त्म हुई, ये शुरू हुई 30 से और ये 35 पे ख़त्म हुई, इन दोनों बेल्ट्स को कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश। और इनकी एक खास बात होती है, जो खास बात है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में यही पूछी जाती है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से देखते चलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई होता है, विंड्स धीमी यानी शांत हवाएं चलती हैं, और प्रेसिपिटेशन भी बहुत कम होता है, यानी बारिश वगैरह बहुत कम पड़ती है। ये 3 खास बातें इस बेल्ट की, और हिंदी में इसको उष्ण उच्च दाब वाला अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। विशिष्ट बात है यानी इंपॉर्टेंट, अलग सी बात है, तो अपने आप याद हो जाएगी, किसी टेक्निक ट्रिक की ज़रूरत नहीं है।
अब हम चलते हैं हमारे तीन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को डिटेल में पढ़ने के लिए। इक्वेटर पढ़ेंगे, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ेंगे, उसमें सारी चीज़ें आएंगी, कौन से कॉन्टिनेंट कंट्रीज रिवर्स वगैरह किस किस से पास हो रहा है, सब कुछ। तो चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं। इक्वेटर को हिंदी में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, मेरे लिए नया टर्म है, मुझे भूमध्य तो पता था, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इक्वेटर की टोटल लंबाई कितनी है? अब देखिए, इक्वेटर सबसे बड़ा अक्षांश यानी सबसे बड़ा लैटिट्यूड था, तो जितनी अर्थ की सर्कमफ्रेंस होगी उतनी ही इक्वेटर की भी लंबाई होगी, और वो कितनी है? 40,075 किलोमीटर्स। ठीक है, ये रहा 40,075 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, और अगर आप माइल्स में देखो तो 24,901 माइल्स होती है। नाउ अगर हम बात करें ग्रेविटी की, क्वेश्चन बन चुका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे लैटिट्यूड्स में से मिला के सबसे कम ग्रेविटी कहाँ पे है, तो इक्वेटर पे सबसे कम ग्रेविटी यानी कि अर्थ का पुल, हिंदी में आई डोंट रिमेम्बर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बट ग्रेविटी सबसे कम इक्वेटर पे होती है। क्यों? ये देखिए, जो हमारी अर्थ है वो यहाँ से थोड़ी सी बाहर निकली हुई इसकी शेप है ना, तो क्योंकि ये दूरी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ से फैली हुई है अर्थ, तो जो पुल है हर तरफ से इधर से फैली हुई है, नॉर्थ और साउथ पोल चपटे हैं थोड़े, ठीक है, तो इक्वेटर पे जो खिंचाव है, जो पुल है ग्रेविटी का, वो सबसे कम होता है। दूसरा एक और रीज़न होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थ क्योंकि घूमती है तो जो चीज़ घूमती है तो वो सेंटर से थोड़ी बाहर निकला हुआ उसका शेप हो जाता है, जिसको कि हम इक्वेटोरियल बल्ज कहते हैं। इस वजह से ग्रेविटी इक्वेटर पे सबसे कम है बाकी सारे लैटिट्यूड्स के मुकाबले, और यहीं से एक एडवांटेज मिलता है कि अगर कोई स्पेस मिशंस लॉन्च हो रहे होते हैं, रॉकेट वगैरह आप लॉन्च करते हो, अगर इक्वेटर से किए जाएं तो थोड़ा कम फ्यूल लगता है और कम फोर्स देनी पड़ती है ग्रेविटी पुल को तोड़ने के लिए, है ना। जब ऊपर जाएगा रॉकेट तो उसको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए बहुत फोर्स देनी पड़ती है, फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है। अगर आप इक्वेटर से डालो, क्योंकि थोड़ी कम है ग्रेविटी यहाँ पे, तो आसानी से चला जाता है। और अगर आप ईस्टवर्ड भेजो यानी पूर्वी दिशा में लॉन्च करो तो और आसान होता है। क्यों सोचो ज़रा, अर्थ कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट, मेरे हिसाब से यहाँ से आपको सीधा दिखे ताकि, है ना, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो अगर आप ईस्टवर्ड लॉन्च करोगे तो वो थ्रस्ट मिल जाएगा, यानी वो थोड़ी एडेड फोर्स मिल जाएगी, और इसलिए सुविधा होती है लॉन्च करने में। समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट भी है। अब कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं? तीन कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, अभी जब मैप दिखाऊंगी तो बता दूंगी। ये देख लीजिए कौन सा रिवर है, इंपॉर्टेंट है, रिवर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को यानी भूमध्य रेखा को दो बार इंटरसेक्ट करती है? एक एक बार पढ़ने वाली बहुत सी नदियां होती हैं, उन पर सवाल नहीं बनते हैं। दो बार इंटरसेक्ट करती है कॉन्गो, जिसका पुराना नाम था ज़ायर रिवर। कैसे याद करेंगे? अभी याद मत करो, जब आपको मैं अभी कंट्रीज कराऊंगी ना, अपने आप याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर। ये क्या है? ये वो सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं। अब इक्वेटर कोई असली रेखा नहीं, इमेजिनरी है, पर वो उन्हीं लोकेशन पे पड़ती है जहाँ जहाँ से इक्वेटर क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए मैप का बेसिक मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया था, तो आपको कॉन्टिनेंट्स का आइडेंटिफिकेशन तो होगा। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? यहाँ मैं इक्वेटर लिख देती हूँ, ठीक है, बताओ। ये है साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, और ये वाला हिस्सा, ये इधर का तो है नहीं ऑस्ट्रेलिया का, ये एशिया का है। ठीक है, इंडोनेशिया मार्क करके यहाँ लिखा है, इसको इंडोनेशिया मत समझ लेना, है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए, तो इक्वेटर साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजर रहा है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं तो पहले आइडेंटिफाई कर लो, फिर मैं लर्न करवाऊँगी। अभी आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको मैप की कंट्रीज़ याद नहीं करवाई है, वो मैं स्पेशल क्लास अलग से लूँगी, हर कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री पड़ती है। वैसे मैंने साउथ अमेरिका का मैप कर रखा है, वर्ल्ड मैप सीरीज चालू करने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाके इंडिया एंड वर्ल्ड मैप वाली सीरीज़ देखिएगा प्लेलिस्ट, उसमें आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप मिल जाएगा, मैंने टेक्निक से याद करवा रखा है। एनीवेज, आ जाओ अभी। तो सबसे पहले इक्वेटर एंटर होता है इक्वेडोर में, ये रहा इक्वेडोर, ठीक है, फिर जाता है कोलंबिया में, और फिर जाता है ब्राज़ील में, ब्राज़ील जो कि सबसे बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका का, ओके। फिर ये एंटर होता है अफ्रीका में, तो देखो अफ्रीका के मेन लैंडमास से बाहर ही आपको पॉइंट दिख रहा है, ये एक आइलैंड कंट्री है, अफ्रीका की टेरिटरी में ही आती है, इसको बोलते हैं साउथ टॉम एंड प्रिंसेप। उसके बाद में ये एंटर हो रहा है गेबन के अंदर, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया एंड सोमालिया, ठीक है। तो ये कितने हो गए? ये हो गए तीन कंट्रीज साउथ अमेरिका के, ये हो गए सेवन कंट्रीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अफ्रीका के, फिर ये जाता है एशिया में। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, वैसे तो तीन कंट्रीज़ हैं
जिनकी टेरिटरी से इक्वेटर गुजरता है, लेकिन अगर मैं लैंडमास की बात करूं यानी ज़मीन की बात करूं तो सिर्फ इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है एशिया में जहां जिसके लैंडमास से धरती से इक्वेटर का लोकेशन मैच होता है। बाकी ये जो मालदीव्स और किरीबाती हैं, दोनों एशिया की टेरिटरीज़ हैं, इन दोनों के वाटर्स में से जाता है, यानी इनके उन पानी वाले इलाकों में से जाता है जो आते तो इनकी टेरिटरी में है पर वो लैंडमास काउंट नहीं हो सकता। तो मालदीव्स और किरीबाटी के पानी में से गुजरता है और इंडोनेशिया के लैंडमास में से गुजरता है। तो अगर पूछा जाए टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं जिनके लैंडमास पे से इक्वेटर क्रॉस होता है, तो 3, 7 और 1 लैंडमास की अगर मैं बात करूँ तो टोटल हो गई 11 कंट्रीज़। अगर पूछा जाए कितनी कंट्रीज़ हैं जिनसे इक्वेटर गुजरता है, लैंडमास या पानी की बात ही नहीं की गई, तो यहाँ की भी 3 हो जाएंगी और टोटल हो गई हमारी 13 कंट्रीज़। ये याद रहेगा, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम याद कर लेते हैं फटाफट से कंट्रीज़ को एक ट्रिक की माध्यम से। तो देखो 3 लैटिट्यूड याद करने हैं ना, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। तो इस पूरी कहानी जो मैं अभी आपको सुनाऊंगी उसमें इक्वेटर को भी हम डालेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो ये किसकी स्टोरी थी, इक्वेटर की थी, कैंसर की थी या कैप्रिकॉर्न की थी। तो देखो इक्वेटर है तो एंटर ही कर रहा है इक्वेडोर से, इक्वेटर इक्वेडोर, तो पहली कंट्री हो गई इक्वेडोर, ठीक है। अब इक्वेडोर में जाने के बाद मैंने इक्वेटर को आगे लंबा किया, को आगे लंबा किया कहाँ तक, ब्राज़ील तक। तो को लंबा किया तो दूसरी कंट्री आ गई मेरी कोलंबिया। इक्वेडोर में एंटर हुआ कौन, इक्वेटर, फिर मैंने उसको लंबा किया, अब कहाँ तक गई वो, ब्राज़ील तक। ब्राज़ील आपको याद रहना ही चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी कंट्री है, इससे इक्वेटर भी पास होगा, इससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होगा, मैं बाद में करवाऊंगी, ठीक है। और देखो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो जाएगा ही नहीं, तो आता ही नहीं है इसके अंदर, फाइन। यहाँ तक समझ में आ गया, इक्वेडोर में आया इक्वेटर, फिर उसको लंबा किया ब्राज़ील तक। अब देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ आने के बाद इक्वेटर ने एक स्टोरी सुनी, इक्वेटर को देख लो जैसे वो एंटर हो रहा है ना, लाइन आ रही है एक, और उसको कानों में बातें पड़ रही हैं, क्या स्टोरी सुनी कि टॉम ने गबन कर दिया है डक्स के साथ, टॉम ने गबन कर दिया है डक्स के साथ। अफ्रीका में एंटर होते ही इक्वेटर ने सारी कहानियाँ सुनी हैं, ठीक है। तो टॉम से हो गया साओ टॉम एंड प्रिंसेप। टॉम कौन है, कोई पिक्चर आ रही है, टॉम एंड जेरी वाला टॉम, टॉम एंड जेरी, ठीक है। तो इक्वेटर दो इक्वल हिस्सों में बांटता है ना अर्थ को, टॉम एंड जेरी भी दो इक्वल हिस्से हैं, टॉम को हटा दो तो जेरी अकेला कुछ नहीं करेगा, जेरी को हटा दो तो टॉम अकेला कुछ नहीं करेगा। तो ये इक्वेटर से जुड़ी हुई कहानी है। जैसे ही इक्वेटर अफ्रीका में आया तो उसने टॉम ने गबन किया है डक्स के साथ ये स्टोरी सुनी है। तो टॉम से साउथ टॉम एंड प्रिंसेस, गबन से हो गया गेबन, ओके। अब डक्स, डक्स क्या होगा, डी यू सी के एस। तो देखिए यहाँ पे डी से मैंने कॉन्गो अभी नहीं लिया है, मैंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से ही मुझे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी याद रह जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों में कॉन्गो कॉमन था तो कॉन्गो तो याद हो ही जाएगा, अभी मैंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नहीं लिया, मैंने सीधे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नहीं लिया, मैंने सीधे ये फोर्थ हो गया था, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ था, मैंने ये सेवन्थ नंबर लिया है जो कि है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यू से हो जाएगा युगांडा, सी से कॉन्गो, ओके। आप चाहो तो डक्स की स्पेलिंग डी यू के एस भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि क का एक ही साउंड आ रहा है। तो उसके बाद के से हो जाएगा कीनिया और एस से हो जाएगा सोमालिया, राइट। यहाँ देख लो, यहाँ से इजीली समझ में आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो टॉम ने गबन किया डक्स के साथ में, टॉम से साउथ टॉम प्रिंसेस, गबन से गेबन हो गया, डक्स के डी से मैंने ये दोनों चीज़ें ले ली क्योंकि दोनों में कॉन्गो कॉमन आएगा, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। युगांडा यू से, के से किन्या, एस से सोमालिया। अब किसके साथ किया था, डक्स के साथ में, है ना, यहाँ तक तो हो गई कहानी। अब उसके बाद मैं माइक पे बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं माइक पे बोल रही हूँ कि एशिया में सिर्फ एक लैंडमास से गुजरती है, बाकी दो जगह वाटर्स से गुजरती है। तो मैंने माइक से बोला, सो एम आई और के, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाटी। मालदीव्स और किरीबाटी आपको याद रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पानी पे से जाती है, इक्वेटर लैंडमास को टच नहीं करती है। तो ये हो गई आपकी टेक्निक। देखो आप बोलोगे मैम कहानी सुना दी, कोई एब्रीविएशन बना देते,
एब्रीविएशन भी बना सकती थी, लेकिन उसमें मुझे कंट्रीज को आगे पीछे करना पड़ता, ठीक है, मैं वो नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ आपको साथ के साथ मैप भी दिमाग में सेट होना चाहिए, राइट। जैसे ही मैं बोलती हूँ कि इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, तो ये पूरा एक मैप मेरे दिमाग में आता है, राइट। जैसे मैं साउथ टॉम प्रिंसिप बोलती हूँ, गेबन बोलती हूँ, कॉन्गो की दोनों कंट्रीज बोल देती हूँ, तो ये सब मेरे दिमाग में साइड बाई साइड मैप चलता रहता है। तो हमें सिर्फ टेक्निक नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमें मैप याद हो। थोड़े टाइम बाद ना आपको इस सेंटेंस इस टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैप सीधा याद होगा, आप इक्वेटर की कंट्रीज उंगली पे बता दोगे, ठीक है। मेरा पर्पस वो है, इसलिए मैंने आपको कॉन्टिनेंट वाइज याद करवाई है और सेम सीक्वेंस में याद करवाई है जिस सीक्वेंस में इक्वेटर आगे जाएगा, ठीक है। चलो ये हमने कर लिया मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। अब हम चलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे।